भाइयों और बहनों, दो साल बाद छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जा से भरा हुआ है और कहते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। साथियों, अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है, ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। साथियों, कांग्रेस के झूठ इनके फरेब की पोल खोलने के लिए, इनके एक वादे की याद में आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया।